चलिए आप ठीक रहेगा, अब नहीं प्रॉब्लम करेगा। चलिए नेक्स्ट है बेटा, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ बॉइलिंग पॉइंट। इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ बॉइलिंग पॉइंट, ब्रोमो ब्रोमोफॉर्म क्लोरोमीथेन डाइब्रोमोमीथेन, जल्दी से पता करेंगे। इसको क्या हो रहा है? ब्रोमोफॉर्म बेटा क्लोरोफॉर्म का भाई हुआ, दिस इज ब्रोमोफॉर्म। देखो सिंपल ध्यान लगाना है बेटा, मोर इज द मॉलिक्यूलर मास, मोर विल बी द बॉइलिंग पॉइंट। सबसे हेवी कौन होगा बेटा? सबसे हेवी आपका बेटा ये वाला होने वाला है, दिस विल बी हेवीएस्ट। तीन, ये पिछली क्लास में ये सब हो रहा था क्या? डिस्टर्बेंस ये अपना बेटा सबसे हेवीएस्ट है तो इसका मैक्सिमम हो जाएगा, फिर ये वाला अपना हेवीएस्ट है। फिर ये वाला अपना हेवीएस्ट है तो ये हो जाएगा, तो दिस विल बी हाईएस्ट बॉइलिंग पॉइंट, देन दिस, देन दिस, देन दिस। तो लेट्स से अगर मार्किंग कर देते हैं ए बी सी एंड डी, तो बी विल बी मैक्सिमम, देन कम्स डी, देन कम्स ए, देन कम्स सी। सिंपल सा लॉजिक है बेटा, मॉलिक्यूलर मास आपको चेक करना है, मॉलिक्यूलर मास चेक करना है। यहां पर बेटा आपको ब्रांचिंग चेक करना है, इस वाले क्वेश्चन में बेटा ब्रांचिंग चेक कीजिए, इस वाले क्वेश्चन में आप ब्रांचिंग चेक करेंगे। क्लियर है ये? नेक्स्ट, अब बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है बेटा, टॉपिक लिखेंगे बेसिसिटी एंड न्यूक्लियोफिलिसिटी। ये बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बेसिसिटी एंड न्यूक्लियोफिलिसिटी। बेसिसिटी एंड न्यूक्लियोफिलिसिटी, बेसिसिटी एंड न्यूक्लियोफिलिसिटी। नेक्स्ट, ओ एच माइनस बेटा, ओ एच माइनस इज बेस या बेसिक। ओ एच माइनस बेसिक क्यों बोला जाता है? देखो बेस के तीन डेफिनेशन हम लोग को मालूम है, पहला है अरिनियस बेस, दूसरा है ब्रॉन्स्टेड बेस और तीसरा है लुईस बेस। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में बेटा हम लोग जिसको बेस बोलते हैं वो अरिनियस बेस नहीं होता है, हमारे लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट जो बेस होता है वो होता है बेटा अपना ब्रॉन्स्टेड बेस। देखो हम लोग को ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में बेटा H प्लस से डील करना होता है, कैसे? या तो कोई H प्लस को डोनेट करेगा या तो कोई H प्लस को एक्सेप्ट करेगा। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में बेटा हम लोग H प्लस एक्सेप्टर एंड H प्लस डोनर के लिए कंसर्न होते हैं, H प्लस डोनर के लिए कंसर्न होते हैं। नाउ H प्लस एक्सेप्टर इज कॉल्ड ब्रॉन्स्टेड बेस, तो OH माइनस बेस क्यों माना जाएगा? बिकॉज इट इज एन OH H प्लस एक्सेप्टर, ये अपना H प्लस एक्सेप्टर है इसीलिए ये बेस है। तो बेसिसिटी मतलब बेस का स्ट्रेंथ या बेसिक स्ट्रेंथ का मतलब हो जाएगा इसको, वो वाला बेसिसिटी मत समझिएगा, ट्राई बेसिक डाई बेसिक वो सब, ठीक है? यहां बेसिसिटी का मतलब होगा ऑर्गेनिक में बेटा स्ट्रेंथ ऑफ बेस, ठीक है? तो ओ एच माइनस,
is a base and is a good base because it can abstract or it can remove H plus. ये दूसरों से H plus ले सकता है. दूसरों से H plus लेने के बाद बेटा ये अलग अलग ये वाटर बनाएगा. लेट्स से HBr है बेटा, तो HBr से ये H plus लेने के बाद ये बनाने वाला है H plus, सॉरी H2O and Br minus. Br minus ये बनाएगा. ये रिएक्शन होता है. देखो इसलिए होगा बिकॉज यहाँ पर माइनस चार्ज ऑक्सीजन के ऊपर है, यहाँ पर माइनस चार्ज ब्रोमीन के ऊपर है. माइनस चार्ज ऑन लार्जर एटम इज मोर स्टेबल. माइनस चार्ज ऑन लार्जर एटम इज मोर स्टेबल. ठीक है, इस कारण से ये रिएक्शन होता है. उसमें आपका एक टॉपिक वो क्या डमीज में आप देखेंगे तो है ऐसे वाले बहुत सारे रिएक्शन है. अगर प्रैक्टिस किए होंगे तो यहाँ आपको डाउट नहीं आने चाहिए. So ability to abstract H plus is known as basic nature या basicity. ability to abstract और क्या हो रहा है except H plus is called basicity. यहां पर बेटा basicity का मतलब ये होगा ability to abstract or accept H plus is called basicity. ठीक है, next. Nucleophilicity क्या होता है? तो देखो ये अपना OH minus है और ये अपना carbon plus है. ठीक है, तो अगर ये वाला जो प्लस कार्बन है क्या हो गया, ये जो अपना प्लस कार्बन है, इस कार्बन का प्लस में एक कोई भी माइनस वाला चार्ज आ सकता है. तो ये जो अपना है इसको हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रोफिलिक कार्बन. इसको हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रोफिलिक कार्बन. इसका नाम हो जाएगा इलेक्ट्रोफिलिक कार्बन. ठीक है, एनी कार्बन विच इज प्लस चार्ज विल बी कॉल्ड इलेक्ट्रोफिलिक बिकॉज दिस प्लस कार्बन इज ट्राइंग टू अट्रैक्ट इलेक्ट्रॉन. Because this plus carbon is trying to attract electron, and those which are trying to attract electron means they love electron. That means they are electrophilic. इसके पास लोन पेयर है, तो अगर ये लोन पेयर यहाँ अटैक कर देता है तो हम लोग बोलेंगे OH minus is nucleophilic. OH minus is nucleophilic. तो nucleophilicity ये चीज कही जाती है. देखो basicity बेटा, बेसिसिटी आपका ये कहा जाएगा, ये H को हटाना, ये H को हटाना विल बी कॉल्ड बेसिसिटी. बट इस OH माइनस को यहां पे आ जाना, दिस विल बी नोन एज न्यूक्लियोफिलिसिटी. तो व्हाट इज न्यूक्लियोफिलिसिटी, अगर स्टेटमेंट पूछ ले तो हम लोग को ये बोलना होगा द एबिलिटी टू शेयर इट्स ओन लोन पेयर. The ability to share its own lone pair with electrophilic carbon. अपना lone pair electrophilic carbon को दे देने का जो tendency है उसको nucleophilicity बोला गया है. अब hopefully clear होगा. OH minus ने अपना lone pair electrophilic carbon को दिया है, इसी property का नाम है nucleophilicity. तो देखो बेटा न्यूक्लियोफाइल होने के लिए क्या करना होगा, अपना लोन पेयर देना होगा. और बेस होने के लिए क्या करना होगा, H प्लस लेना होगा. तो बेस को H प्लस लेना है, न्यूक्लियोफाइल को लोन पेयर देना है. बेटा बेस अपना बेस H प्लस क्यों लेगा, क्योंकि बेस के पास भी लोन पेयर है.
बेस के पास भी लोन पेयर मैंडेटरी है और न्यूक्लियोफाइल के पास भी लोन पेयर मैंडेटरी है। तो ये आप पॉइंट लिख लीजिए, अभी बता रहे आप लोग को ध्यान नहीं रहेगा। बोथ बेस एंड न्यूक्लियोफाइल मस्ट हैव लोन पेयर, must have lone pair, both nucleophile and base must have lone pair, दोनों के पास लोन पेयर होना बहुत 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 जरूरी है। बेस भी बिना लोन पेयर के नहीं हो सकता है और न्यूक्लियोफाइल भी बिना लोन पेयर के नहीं हो सकता है। चलो नेक्स्ट नेक्स्ट ये पॉइंट लिख लीजिए। A good base may be a good nucleophile or bad nucleophile. Basicity और nucleophilicity कोई खास relation नहीं है। Good base may be good nucleophile, may be bad nucleophile. Generally, good base are good nucleophile. Generally, good base are good nucleophile, not always. ये point याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट। अब है सॉल्वेंट एंड न्यूक्लियोफिलिसिटी। आप लिखेंगे बेटा इफेक्ट ऑफ सॉल्वेंट अपॉन न्यूक्लियोफिलिसिटी। पहला पॉइंट लिखिए इफेक्ट ऑफ सॉल्वेंट अपॉन न्यूक्लियोफिलिसिटी। इफेक्ट ऑफ सॉल्वेंट अपॉन न्यूक्लियोफिलिसिटी लिख लिए। चलो सॉल्वेंट बेटा बहुत टाइप के होते हैं, तो एक जो बेसिक क्लासिफिकेशन ऑफ सॉल्वेंट है वो है नॉन पोलर एंड पोलर। बेसिक क्लासिफिकेशन ऑफ सॉल्वेंट आएगा पोलर नॉन पोलर। क्लियर। नॉन पोलर सॉल्वेंट का एग्जांपल अगर पूछ ले बेटा CCl4, CCl4 इज एन एग्जांपल ऑफ नॉन पोलर सॉल्वेंट। चलिए बट नॉन पोलर इज डिवाइडेड इंटू टू कैटेगरी, पोलर प्रोटिक पोलर अप्रोटिक। यहां ध्यान दीजिए पी और ए पे, पोलर प्रोटिक एंड पोलर अप्रोटिक, पहले ये लिख लीजिए। तो नॉन पोलर तो ठीक है CCl4, पोलर में दो टाइप के हो गए, एक है पोलर प्रोटिक एंड पोलर अप्रोटिक। ध्यान से सोचिए प्रोटिक का मीनिंग क्या होता है। प्रोटिक का मीनिंग होता है बेटा H+। तो अप्रोटिक का मीनिंग क्या हो गया, एब्सेंस ऑफ H+। देखो H+ प्रोटॉन का मतलब H+ होता था ना, तो प्रोटिक वहीं से आया है। तो पोलर सॉल्वेंट बट प्रोटिक, तो दो सॉल्वेंट पोलर प्रोटिक क्या हो जाएगा, सॉल्वेंट विच इज पोलर एंड ऑल्सो हैव H+, सॉल्वेंट विच इज पोलर एंड डू नॉट हैव H+। तो पोलर प्रोटिक आर दो सॉल्वेंट्स विच आर पोलर एंड हैव एबिलिटी टू रिलीज H+। ठीक है, तो लिख सकते हैं हैव एबिलिटी या पोटेंशियल टू रिलीज H+, एब्सेंस ऑफ एसिडिक H+। H+ मतलब एसिडिक रहेगा तभी तो रिलीज कर पाएगा ना बेटा, अगर एसिडिक नहीं है तो रिलीज नहीं कर पाएगा। फॉर एग्जाम्पल मिथेन, मिथेन के पास चार हाइड्रोजन है बट कोई भी हाइड्रोजन एसिडिक नहीं है। क्यों, कोई भी हाइड्रोजन H+ की तरह यूज नहीं हो सकता, नो हाइड्रोजन विल बी लॉस्ट एज H+, तो इसलिए मीथेन इज नॉट क्या, एसिडिक। चलिए इतना हो गया, इसमें किसी को डाउट। नेक्स्ट
ये एग्जाम्पल किसका है बेटा, ये जरा एग्जाम्पल ध्यान से देखिए, ये मुझे बताएंगे कि ये जो एग्जाम्पल मैंने आपको बता रखा है ये कौन सा एग्जाम्पल है, पोलर का नॉन पोलर का? ये किसका एग्जाम्पल? पोलर का, बहुत बढ़िया। पोलर में प्रोटिक का या पोलर अप्रोटिक का? पोलर प्रोटिक। सही है बेटा, बहुत बढ़िया। बेटा दिस विल बी लॉस्ट एज एच प्लस, ये जो अपना हाइड्रोजन है ना, दिस हाइड्रोजन विल बी लॉस्ट एज सी एच थ्री ओ माइनस एंड एच प्लस, ये इस तरीके से आएगा। सो एल्कोहल्स आर पोलर एंड प्रोटिक, एल्कोहल आर पोलर एंड प्रोटिक। नेक्स्ट, ये बेटा कौन सा सॉल्वेंट रहा, मान लेते अगर ये सॉल्वेंट है तो ये कौन सा सॉल्वेंट है? दिस विल बी व्हाट? अप्रोटिक बेटा, पोलर अप्रोटिक। पोलर अप्रोटिक, पोलर अप्रोटिक, पोलर प्रोटिक, पोलर अप्रोटिक, दोनों एग्जाम्पल हम लोग देख लिए। और भी एग्जाम्पल है जो हम लोग को देखना जरूरी है, ठीक है, इतना लिख लिए तो। नेक्स्ट, इसका नाम है DMSO, इसका नाम है DMSO, बनाइए फिर इसका नाम लिखिए और इसका फुल फॉर्म बताएंगे, इसका फुल फॉर्म बताएंगे। देखिए इसका नाम क्या होगा फुल फॉर्म, कोई जल्दी से बताएगा बेटा? ये नाम है बेटा इसका, डाइमिथाइल सल्फोक्साइड, सल्फर का ऑक्साइड है और दोनों तरफ मिथाइल ग्रुप है। ये बेटा पोलर है बट अप्रोटिक है, रीजन इज ये आपका डेल्टा माइनस होगा, ये आपका डेल्टा प्लस होगा, बट कोई भी हाइड्रोजन एसिडिक नहीं है, देयर इज नो हाइड्रोजन विच इज एसिडिक, नो हाइड्रोजन इज एसिडिक, सो दिस इज पोलर अप्रोटिक। ये बड़ा कॉमन एग्जाम्पल है जो आप लोग को बेटा सिलेबस में यूज होगा, DMSO बहुत कॉमन एग्जाम्पल है। नेक्स्ट एग्जाम्पल देख लीजिए, दोनों एक ही है, ये ऊपर वाला ये नीचे वाला दोनों एक ही मॉलिक्यूल है, डाइमिथाइल फॉर्मामाइड, सॉरी डाइमिथाइल एसिटामाइड इसका नाम है, डाइमिथाइल बेटा, एन कॉमा एन होगा ये सब पता होना चाहिए, नाइट्रोजन पे है, डाइमिथाइल एसिटामाइड, अमाइड ग्रुप है, सी डबल बॉन्ड ओ एन एच टू है, ये है आपका डाइमिथाइल फॉर्मामाइड, किसी में भी देख लीजिए एसिडिक हाइड्रोजन नहीं है, डाइमिथाइल फॉर्मामाइड, फॉर्मामाइड। डाइमिथाइल फॉर्मामाइड, तो ऑल दीज आर बेटा पोलर बट अप्रोटिक, क्यों? क्योंकि इनके पास एसिडिक हाइड्रोजन ही है। ये वाला बेटा दिस इज नॉट एसिडिक, ये जो हाइड्रोजन आप लोग देख रहे हैं ना ये एसिडिक नहीं है, दिस हाइड्रोजन इज नॉट अटैच टू ऑक्सीजन और नाइट्रोजन और हेलोजन, कार्बन से अटैच हाइड्रोजन कभी एसिडिक नहीं माना जाएगा, तो यहां पर भी आपका डेल्टा प्लस, यहां आपका डेल्टा माइनस, यहां डेल्टा प्लस और यहां डेल्टा माइनस, सो दीज आर एग्जांपल ऑफ पोलर अप्रोटिक सॉल्वेंट,
These are example of polar aprotic solvent. किसी को doubt इसमें तो question पूछ लीजिए बेटा अभी. ये सब important concept है. चलिए next. पोलर सॉल्वेंट बड़ा सिंपल सा एग्जाम्पल है. हाइड्रोजन विच अटैच टू नाइट्रोजन ऑक्सीजन एंड हेलोजन दोज ऑल आर एसिडिक. एसिडिक हाइड्रोजन का बेटा बड़ा सिंपल सा एग्जाम्पल है. एसिडिक हाइड्रोजन कौन होते हैं? तो हाइड्रोजन अटैच टू नाइट्रोजन, हाइड्रोजन अटैच टू ऑक्सीजन, हाइड्रोजन अटैच टू फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन. और यहाँ हाइड्रोजन अटैच टू सल्फर भी होता है. ठीक है, दीज आर दी एग्जाम्पल ऑफ एसिडिक एच. यही लोग एसिडिक हाइड्रोजन माने गए हैं. तो ऑल दीज आर एग्जाम्पल ऑफ एसिडिक प्रोटिक सॉल्वेंट, पोलर प्रोटिक. दीज आर पोलर, सॉरी पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट. पोलर सॉल्वेंट नहीं है, दीज आर पोलर प्रोटिक. These are polar protic solvent. किसी भी तरह का अल्कोहल बेटा पोलर प्रोटिक माना जाएगा. क्यों? हर अल्कोहल में बेटा CH3OH होता है. कोई भी अल्कोहल ले लीजिए, देखिए इसके पास बेटा एसिडिक हाइड्रोजन है. दिस इज एसिडिक हाइड्रोजन. ठीक है, ये अपना एसिडिक हाइड्रोजन माना जाएगा. क्लियर है ये? तो दीज आर एग्जाम्पल ऑफ पोलर एंड प्रोटिक. चलिए अब हम लोग क्या करेंगे बेटा, न्यूक्लियोफाइल का स्ट्रेंथ देखेंगे. तो स्ट्रेंथ ऑफ न्यूक्लियोफाइल लिख लीजिए. आप पहला हेडिंग लिखिएगा, बड़ा हेडिंग लिखिए स्ट्रेंथ ऑफ न्यूक्लियोफाइल. उसके अंदर ये वाला हेडिंग आएगा. सबसे बड़ा हेडिंग कौन होगा? स्ट्रेंथ ऑफ न्यूक्लियोफाइल. स्ट्रेंथ ऑफ न्यूक्लियोफाइल. चलिए स्ट्रेंथ ऑफ न्यूक्लियोफाइल. अब आएगा न्यूक्लियोफाइल ऑफ सेम पीरियड. मतलब क्या समझिए, अपने पास दो एटम है, एक नाइट्रोजन का और एक ऑक्सीजन का. एक नाइट्रोजन का और एक ऑक्सीजन का. नाइट्रोजन के पास लोन पेयर है, ऑक्सीजन के पास लोन पेयर है. दोनों के पास एक एक लोन पेयर अपने पास है. ठीक है, बोथ हैव लोन पेयर. सो बोथ हैव एबिलिटी टू डोनेट इलेक्ट्रॉन पेयर. तो अपने को पास एक कार्बन भी है और ये कार्बन अपना प्लस कार्बन है. ये कार्बन अपना प्लस कार्बन है. तो ये लोन पेयर यहां आ सकता है और ये लोन पेयर यहां आ सकता है. आपको ये बताना है, ये सोचना है कि आसानी से लोन पेयर कौन देगा. नाइट्रोजन अपना लोन पेयर इजिली भेजेगा या ऑक्सीजन अपना लोन पेयर इजिली भेजेगा. तो देखो हर चीज के लिए, मतलब हर जगह ये रूल अप्लाई नहीं होगा. ऐसा है लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव, लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव ज्यादा आसानी से देता है. बट हर बार ये अप्लाई नहीं कीजिएगा. कब अप्लाई कीजिएगा? जब सेम पीरियड होगा तब अप्लाई कीजिएगा. कब अप्लाई करना है? जब अपने पास सेम पीरियड की बात हो रही होगी, न्यूक्लियोफाइल ऑफ सेम पीरियड है, तब बोलेंगे लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव आर मोर न्यूक्लियोफिलिक. तो उसके अकॉर्डिंग कौन ज्यादा न्यूक्लियोफिलिक माना जाएगा? अमोनिया विल बी मोर न्यूक्लियोफिलिक देन वॉटर. ये वाला होगा. हर बार यही अप्लाई करेंगे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी? तो नहीं. सेम पीरियड में? तो हाँ, सेम पीरियड में बिल्कुल करेंगे. चलिए हो गया बेटा. नेक्स्ट
चले नेक्स्ट। अब NH2 माइनस है और OH माइनस है, यहां पे OH माइनस है और यहां NH2 माइनस। अब ध्यान से सोचिए, चारों में आपको न्यूक्लियोफिलिसिटी का ऑर्डर डिसाइड करना है, तो इन दोनों के बीच में तो क्लियर थी बातें, अब बात इसके और इसके बीच में करते पहले। विच विल हैव मोर टेंडेंसी टू डोनेट और शेयर लोन पेयर, नाइट्रोजन और नाइट्रोजन माइनस? आसानी से कौन अपना इलेक्ट्रॉन देगा, तो हम लोग को मालूम है नाइट्रोजन माइनस आसानी से अपना इलेक्ट्रॉन देगा, ठीक है। फिर ऑक्सीजन या ऑक्सीजन माइनस, तो ऑक्सीजन माइनस, तो फिर ऑर्डर ये आएगा, फिर आपका अमोनिया आएगा, फिर आपका वाटर आएगा। देखो बेटा, ऑक्सीजन माइनस नाइट्रोजन से ज्यादा न्यूक्लियोफिलिक माना जाएगा, ये अपना ऑर्डर है, ठीक है, ये अपना ऑर्डर है। ठीक है, नेगेटिव एटम आर मोर न्यूक्लियोफिलिक देन न्यूट्रल, नेगेटिव एटम आर मोर न्यूक्लियोफिलिक देन न्यूट्रल, तो न्यूक्लियोफाइल ऑफ सेम पीरियड दे आर, उसमें आप इलेक्ट्रोनेगेटिविटी से कंपेयर करेंगे। आगे बढ़े, ठीक है, चलिए नेक्स्ट। अब आएगी बात बेटा न्यूक्लियोफाइल ऑफ सेम ग्रुप, तो यहां देखो बड़ा कंफ्यूजन होता है, सेम ग्रुप आएगा ना तो ऑर्डर चेंज होगा, रिवर्स होगा। कैसे रिवर्स होगा? सॉल्वेंट के अकॉर्डिंग रिवर्स हो जाएगा। प्रोटिक सॉल्वेंट, यहां जरा सॉल्वेंट आप देखिए, यहां है प्रोटिक सॉल्वेंट, प्रोटिक सॉल्वेंट में एक अलग ऑर्डर होगा और अप्रोटिक में अलग ऑर्डर हो जाएगा। सेम ग्रुप की अगर बात है, सेम पीरियड में ये झमेला आपको नहीं आएगा, सेम पीरियड में ये परेशानी में आप नहीं पड़ोगे, बट अगर सेम ग्रुप हो जाएगा तो ये परेशानी हो जाती है। क्या? प्रोटिक सॉल्वेंट में अलग ऑर्डर होगा, अप्रोटिक सॉल्वेंट में अलग ऑर्डर होगा। तो देखो प्रोटिक में क्या होता है, हम लोग दो न्यूक्लियोफाइल लिए, आई माइनस और एफ माइनस, आई माइनस और एफ माइनस, प्रोटिक सॉल्वेंट बोला है, तो मैं मान लेता हूं कि वाटर है, कोई भी हो सकता था, अल्कोहल भी हो सकता था, मैं मान लिया वाटर है। वाटर का बेटा H जो होता है वो पॉजिटिव चार्ज होता है, तो या तो पानी ने अपना H प्लस दे दिया, लेट्स से अगर पानी ने H प्लस दे दिया तो क्या होगा, अगर पानी अपना H प्लस देगा तो H प्लस इसको चारों तरफ से सराउंड करेगा, बट H प्लस इसको चारों तरफ से सराउंड अच्छे से नहीं करेगा, ठीक है। अब आप बोलेंगे सर पानी तो एसिडिक नहीं होता है, इतना H प्लस तो देगा नहीं, ठीक है कोई बात नहीं, लेट से ये सब नहीं हुआ, पानी सिर्फ वाटर में ही है, H प्लस नहीं दिया, मान लेते अगर देता तो ये होता, नहीं दिया तो कोई बात नहीं है, पानी का H प्लस एटलीस्ट डेल्टा पॉजिटिव तो है ना, तो ये तो होगा ही होगा, इससे बेटा आप नहीं बच सकते, ये करेगा ही करेगा, क्या करेगा, ये जो अपना H है ये इसको लाके यहाँ पास में चिपका देगा, ये तो हम लोग बहुत पहले से जानते हैं, ये तो पानी हाइड्रोजन बॉन्डिंग कर ही लेगा। अब देखो F माइनस चारों तरफ से पानी से सराउंड हो गया, I माइनस उतना नहीं सराउंड होगा, F माइनस बेटा माइनस वन चार्ज, वेरी स्मॉल वॉल्यूम, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इज वेरी हाई, वेरी हाई डेंसिटी, वेरी हाई डेंसिटी ड्यू टू
small size, very high electron density due to small size. Now F minus चारों तरफ से surround हो गया है. अब अगर ये वाला कहाँ आ गया वो, sorry. अब अगर अपने पास ये कार्बन आ जाए CH3 CH2 plus, अब बताओ ये F माइनस, ये I माइनस तो आ जाएगा, F माइनस तो आ ही नहीं सकता, हर तरफ से सराउंड ही हो गया है, उसका माइनस चार्ज तो एक्सपोज है ही नहीं, द माइनस चार्ज इज नॉट एक्सपोज, सो ये कभी इस पे अटैक नहीं करेगा, दिस विल नॉट अटैक. तो क्लियर है बेटा ऑर्डर क्या आना चाहिए? ऑर्डर आपका बेटा ये आएगा. कब? हमेशा नहीं, अगर आपका पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट हुआ तो ऑर्डर ये आएगा. पोलर प्रोटिक में बेटा ऑर्डर ये आएगा. अब रट्टा मार के रखना उपाय नहीं है. फिर ऑर्डर ये आएगा किसका? HS माइनस OH माइनस. सल्फर बड़ा एटम है, OH माइनस छोटा एटम है, उसका बेटर होगा. आप लोग क्या लिख लेंगे मैं बता दे रहा हूं. इन पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट न्यू द एटम विच हैव वेरी हाई चार्ज डेंसिटी दे आर सराउंडेड बाय सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स. दे आर सराउंडेड बाय सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स. ठीक है, पोलर प्रोटिक में बेटा सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स चारों तरफ से सराउंड कर लेता है. किसको? न्यूक्लियोफाइल को. इन पोलर प्रोटिक, हाँ न्यूक्लियोफाइल आर हाईली सॉल्वेटेड. सॉल्वेटेड का मतलब बेटा सराउंड बाय सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स होता है. नेक्स्ट, ये उल्टा हो गया. ये बेटा अप्रोटिक सॉल्वेंट है. दिस इज अप्रोटिक सॉल्वेंट. अप्रोटिक सॉल्वेंट में क्या होगा? आई माइनस एफ माइनस दे आर नॉट सराउंडेड बाय सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स. तो ध्यान रखना है इन अप्रोटिक न्यूक्लियोफाइल आर not solvated and they are exposed and their negative charge, negative charge भी नहीं बोल सकते हैं, and their lone pair आर एक्सपोज्ड. एक्सपोज्ड मतलब नेकेड है, कोई इसको कवर करके नहीं रखा है. एक्सपोज्ड मतलब नेकेड. ठीक है, नेकेड है. ठीक है, तो नाउ अब ये स्ट्रॉन्गर बन जाएगा बेटा. दिस विल बी स्ट्रॉन्गर. अच्छा, यहां नीचे आंसर गलत लिखे. ठीक है,
ठीक है नेक्स्ट। तो यहां ऑर्डर हो जाएगा बेटा F माइनस Cl माइनस Br माइनस I माइनस। देखो उल्टा हो गया यहाँ, ठीक है F माइनस Cl माइनस Br माइनस एंड I माइनस, ये हो जाएगा। दिस विल बी ऑर्डर, नेक्स्ट। इसमें किसी को डाउट? कोई डाउट है बेटा? नो सर। चलिए नेक्स्ट। अब है बेटा न्यूक्लियोफाइल एडजेसेंट टू लोन पेयर आर मोर होपफुली, जो जो है बेटा लिखा हुआ रहता है वो आप लोग लिखते रहते हैं। देखिए दो है अपने पास, अमोनिया है, अमोनिया और इसके बीच में अच्छा न्यूक्लियोफाइल कौन है? तो हमेशा ध्यान रखना है कि अगर मेरे लोन पेयर है यहाँ पे और इस लोन पेयर के बगल में एक और लोन पेयर है तो मोर न्यूक्लियोफिलिक, ये हमेशा याद रखिएगा, मोर न्यूक्लियोफिलिक। Why? क्यों? क्योंकि इसके बगल में एक और लोन पेयर है, इसके बगल में एक और लोन पेयर है। लोन पेयर के बगल में एक और लोन पेयर हो जाए तो अच्छा न्यूक्लियोफाइल हो जाता है, लोन पेयर के बगल में एक और लोन पेयर हो जाए तो अच्छा न्यूक्लियोफाइल माना जाएगा। नेक्स्ट, बल्कि मॉलिक्यूल आर पुअर न्यूक्लियोफाइल, बल्कि मॉलिक्यूल। अच्छा ठीक है बेटा, कोई बात नहीं। हो गया सर। नेक्स्ट लिखिए, बल्कि मॉलिक्यूल आर पुअर न्यूक्लियोफाइल। नाउ व्हाट इज मेंट बाय बल्कि मॉलिक्यूल? देखो यहां पे बेटा ऑक्सीजन के ऊपर माइनस चार्ज रखा हुआ है, इन दिस we have minus over oxygen, we have minus over oxygen, यहां oxygen के ऊपर minus है, यहां देखो इसके ऊपर भी oxygen के ऊपर minus है, तो minus is on same atom but this is bulky, ये इतना बड़ा होगा, इतना बड़ा होगा और ये इतना बड़ा होगा, ठीक है। तो अब अगर इसको बोला जाए इस पे अटैक करने को बेटा तो ये अटैक नहीं कर पाएगा। क्यों नहीं कर पाएगा? ये बेटा काफी बड़ा होता है, ये मॉलिक्यूल इस तरीके से आपका होगा और यहाँ पे ऑक्सीजन होगा, ये अटैक नहीं कर सकता है। क्लियर है ये? और इसके बेटा मैंने हाइड्रोजन तो यहाँ पे CH3 बनाया, हाइड्रोजन इस तरीके से होगा ना, तो ये इस तरीके से होगा पूरा CH3, फिर ये इस तरीके से होगा और ये इस तरीके से होगा, तो अटैक कहां से करेगा? ठीक है, तो दिस इज अ वेरी पुअर न्यूक्लियोफाइल। तो इसके बारे में कहा जाता है वेरी पुअर न्यूक्लियोफाइल है ये।
इसके बारे में कहा जाता है गुड न्यूक्लियोफाइल है। वेरी पुअर न्यूक्लियोफाइल बट स्ट्रॉन्ग बेस। वेरी पुअर न्यूक्लियोफाइल बट स्ट्रॉन्ग बेस। वेरी पुअर न्यूक्लियोफाइल है बट स्ट्रॉन्ग बेस है ये, ठीक है। दिस इज अ वेरी पुअर न्यूक्लियोफाइल बट स्ट्रॉन्ग बेस। ये आएगा बेटा, कहाँ आएगा बाद में बताएंगे, बट ये इंपॉर्टेंट चीज है, ये आगे चल के आने वाला है। सर हाँ बेटा, सर अगर O माइनस O से कनेक्टेड हो और फिर वो O एक बल्किक रूप से कनेक्टेड हुआ तब क्या? फिर से बोलिए। सर अगर O माइनस O से कनेक्टेड हुआ और फिर वो O एक बल्किक रूप से कनेक्ट हुआ तब O माइनस स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल होगा कि वीक ही रहेगा? फिर से बोलिएगा एक बार। O माइनस है सर, ये फिर O से कनेक्टेड है। हाँ फिर वो O एक बल्किक रूप से कनेक्टेड है सर। ठीक है, और फिर दूसरा कौन है सर? बस तभी क्या स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल की वीक न्यूक्लियोफाइल। नहीं नहीं बेटा, देखिए बेटा यहाँ पे एक बात अच्छे से आप समझ लीजिए, न्यूक्लियोफिलिसिटी में जितना आप याद कर रहे हैं ना बेटा, इसके बाद भी बहुत सारे ऐसे होंगे ना जहाँ कोई रूल वगैरह अप्लाई नहीं हो रहा होगा, ठीक है। न्यूक्लियोफिलिसिटी में अपने पास चार से पांच फैक्टर होते हैं, उसमें से बल्किनेस एक फैक्टर है। तो हम लोग को यहाँ पे बेटा जनरल जो कुछ कॉमन मॉलिक्यूल है उसको देख लेना, उसको रट्टा मार के रखना। आगे चल के बताऊंगा कि यहाँ आपको कॉन्सेप्ट वगैरह कुछ खास काम नहीं आएगा, जितना मेमोराइज कर लिए वही आपके लिए काफी है। अगर कॉन्सेप्ट लगाने के लिए आएगा तो बड़ा सिंपल मॉलिक्यूल दिया जाएगा जहां आप आसानी से कंपेयर कर पाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट में ही है यहाँ बेटा, दिमाग मेमोरी आपका कॉन्सेप्ट से ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये वाला ऑर्डर आपको याद रखना है, इसको रट्टा मार के रखिए। ये वाला आपसे ऑर्डर अगर आया पोलर प्रोटिक में, ये वाला ऑर्डर आता है, ये रट्टा मारना है, ठीक है। बहुत सारे साइंटिस्ट ने क्या किया है, ऑर्डर अपना खोज के निकाल के दिया है, उसमें भी से शायद ये किसी, हाँ इसमें ये एडवर्ड साइंटिस्ट का, इसमें नाम आपको नहीं जानना है बट ये हम लोग एक्सेप्ट कर रहे हैं, इसका मोस्ट कॉमन है। इन्होंने जो ये ऑर्डर दिया है, एक और साइंटिस्ट होते हैं उनका बेटा ऑर्डर चेंज हो जाता है, ठीक है। तो इसको आप इतना कम से कम ध्यान रखिएगा, न्यूक्लियोफिलिसिटी का ऑर्डर ये माना जाएगा। नेक्स्ट आप लिखेंगे बेटा रिएक्शंस ऑफ अल्काइल हैलाइड। तो न्यूक्लियोफिलिसिटी बेसिसिटी हो गया है, कुछ आपको कॉमन फैक्टर कॉपी नहीं किए थे। अच्छा ठीक है, कुछ कॉमन चीजें आपको न्यूक्लियोफिलिसिटी में ध्यान रखना है, ठीक है। पीरियड वाला आपको बता दी है, पीरियड में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी आपको कंपेयर करना है, ग्रुप में आपको साइज ध्यान रखना है, पोलर प्रोटिक में अलग हो जाता है, पोलर अप्रोटिक में अलग हो जाएगा। पोलर प्रोटिक में लार्जर एटम आपका अच्छा न्यूक्लियोफाइल होगा और पोलर अप्रोटिक में स्मॉलर एटम आपका अच्छा न्यूक्लियोफाइल होगा। बल्कि लोग अच्छे न्यूक्लियोफाइल नहीं होते। इतना कहने के बाद ही बेटा बहुत बार आपका जो लगेगा कि कोई रूल अप्लाई नहीं हो रहा, जो कर रहे हैं वो उल्टा आ रहा है। तो देखो ये एक्सपेरिमेंटली वेरीफाई किया गया है कि दिस इज द ऑर्डर ऑफ न्यूक्लियोफिलिसिटी। कोई लॉजिक नहीं है बेटा, अब ये कहना बड़ा मुश्किल है कि सी एन माइनस और ओ एच माइनस में कौन ज्यादा न्यूक्लियोफिलिक होगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, आपसे एक चीज पूछेगा, क्या पूछेगा कि सी ट्रिपल बॉन्ड एन है, ये होता है सी एन माइनस का स्ट्रक्चर बेटा। बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है, ये रहा आपका कार्बन।